राजस्थान में चुनाव के बीच गुरुवार को ईडी ने महवा से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर भी देर रात तक कार्रवाई चली। दिनभर चली कार्रवाई के बाद दोनों नेताओं के अलग अलग वीडियो सामने आए। एक वीडियो में हुड्डा रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एक वीडियो में डोटासरा ईडी की कार्रवाई के बाद खुद की छवि को साफ सुथरा बताते नजर आए हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद सामने आए वीडियो में हुड्डा ने रोते हुए कहा, आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आ रहा हूँ, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथियों। आज इस 80 वर्ष की माँ पर ईडी की रेड करवाकर किरोड़ीलाल मीणा साहब आपने पाप किया है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। मैं इस माँ का आशीर्वाद लेकर फिर जंग में आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो लड़कर दिखा देना। आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथी। आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा करके किरोड़ीलाल मीणा साहब आपने पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में आ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा देना। वहीं दूसरी तरफ दूसरी वीडियो में हुड्डा ने कहा, आपने जो आरोप लगाए हैं इन्हें या तो साबित कर देना, अगर साबित नहीं कर पाए तो आप जीना छोड़ देना। अगर आपने आरोप साबित कर दिया कि रीट की परीक्षा में हमने एक रुपए का भी लेन देन किया होगा और ईडी ये साबित कर पाई, तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं खाटू नरेश की सौगंध खाकर और हुड्डा बस्ती के सभी पंच पटेलों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस दिन आत्महत्या कर लूंगा जिस दिन आरोप साबित हो गए। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने दौसा जिले के महवा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के महवा और जयपुर के ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी ने करीब 12 घंटे सर्च अभियान चलाया। इस दौरान हुड्डा से पूछताछ भी की गई। ईडी की कार्रवाई के बाद उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर भी निशाना साधा।